केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज रायबरेली के दौरे पर हैं और लगातार दर्जनों जो जनसंवाद केंद्र हैं वो किए जा रहे हैं और दर्जनों कार्यक्रम हैं जो जनसंवाद के वो किए जा रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि लोगों से रूबरू हो रहे हैं और सारे जो अधिकारी हैं उनको लेकर के अधिकारियों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। जो समस्याएँ हैं उन्हें ऑन स्पॉट पूरी तरीके से किसी तरीके की दिक्कत ना हो ऑन स्पॉट ही समाप्त किया जाए और लोगों को संतुष्ट किया जा सके उसको लेकर के आप देखिए लगातार जो दौरा है उस दौरे में लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है वो चल रहा है और जो चर्चाएं हैं जनसंवाद है जिसको लेकर के बीजेपी ने भी आज प्रदेश में जनसंवाद का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम रखा हुआ है। तो उसी कार्यक्रम के तहत आज अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज रायबरेली के दौरे पर हैं और लगातार लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं और ये कार्यक्रम लगातार आज भी चलना है और कल भी ये जो जनसंवाद के कार्यक्रम है वो कल भी चलने वाला है। प्रयास करते हैं कि हम बात कर सकें उनसे और लगातार सिलसिला जो है वो चल रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। तो ऐसे में बीजेपी ने हर घर तक पहुँचने की के जो प्रोग्राम है वो जारी किया हुआ है और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज रायबरेली के दौरे पर हैं और लगातार जो उनका कार्यक्रम है वो चलता जा रहा है। हम बात करने का प्रयास करते हैं। दीदी स्मृति जी आज जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है आपका? सिर्फ आज ही नहीं हर दिन जब अमेठी की जनता के सम्मुख हम लोग प्रस्तुत होते हैं। मेरा सौभाग्य है कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ता कर्मठ नेता और साथ ही जिला प्रशासन के जितने अधिकारी हैं जो संबद्ध हैं जनता की मांगों को पूरा करने के लिए जो समर्पित हैं वो भी एक एक गाँव पंचायत में खुद हमारे साथ जाके जनता से मिलते हैं। अगला सवाल ये मेरा कि राहुल गांधी जी से किसी विदेश में बैठ करके बातें कर रहे हैं उसे किस तरीके से देंगे? घर तो लौटने दीजिए। तो आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी थी जिनको साफ तौर पे कहना है कि लगातार जनसंवाद का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, रायबरेली।